नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अब्बास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद उसका जेल जाना अब तय है। इस रिपोर्ट में देखिए। लंबे वक्त से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ऐसा झटका दिया है जिससे अब अब्बास सीधे जेल में जाकर ही गिरेगा। दरअसल हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अभियुक्त के पास से जो असले और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए वो शूटिंग स्पोर्ट्स के लिए नहीं थे। न्यायालय ने आगे कहा कि शूटिंग स्पोर्ट्स में अभियुक्त के पास से बरामद असले और कारतूस प्रतिबंधित है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 26 अगस्त को सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित किया था। उल्लेखनीय है कि शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा के मामले में अब्बास अंसारी वंचित है। मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी ने शस्त्र लाइसेंस में फर्जीवाड़ा मामले में अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की शरण थी। इससे पहले गुरुवार को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने अब्बास को फरार घोषित करने के साथ ही आईपीसी की धारा 82 की कार्रवाई करने का भी आदेश दिया था। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख तय की। वहीं इसको लेकर महानगर इंस्पेक्टर के तिवारी ने कोर्ट के सामने दूसरी बार अपनी रिपोर्ट के साथ अब्बास को फरार घोषित करने की मांग वाली अर्जी वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह के जरिए दी थी, जिसमें पुलिस ने लिखा था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद पुलिस ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में आरोपित को तलाशने के लिए कई जगह दबिश दी। इनमें किसी भी स्थान पर अब्बास या उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। बहरहाल कोर्ट के आदेश के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि अब अब्बास अंसारी को कोई भी नहीं बचा सकता, उसका जेल जाना तय है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस कब तक अब्बास को गिरफ्तार कर जेल की चार दीवारी के पीछे पहुंचाती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।